चालू कर दीजिए। पवन चालू हो चुके हैं पूरी तरह से, मशीन बन चुके हैं, तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं। बहुत बढ़िया। और कितने मेरे पकौड़े को खा पाते हैं? अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने ब्रेड पकौड़ा और सोडा लगा हुआ है, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है ब्रेड पकौड़ा और सोडा खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ब्रेड पकौड़े के साथ में लगा हुआ है ठंडा, तो आज हमारा ब्रेड पकौड़ा खाने का और ठंडा पीने का चैलेंज है। तो देखते हैं इस चैलेंज में कौन सबसे ज्यादा आगे जाता है, कौन 700 रुपए इनाम की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ ब्रेड पकौड़े का और ठंडे का आनंद लेकर के जाता है। और इस चैलेंज में कोई रोक टोक नहीं है, और एक मिनट में जो सबसे ज्यादा ब्रेड पकौड़ा खाएगा वो इनाम की राशि 700 रुपए लेकर के जाएगा, और जो नहीं खा पाएगा मतलब कम खाएगा उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और कोई जोर दबाव नहीं है, जितना खाना चाहे उतना खाएं और अपने हिसाब से खाएं। तो ब्रेड पकौड़ा काउंट होगा और ठंडा कोई काउंटिंग नहीं होगी, चाहे ठंडा 10 पी लें चाहे 1 पी लें, ठंडे के कोई जोर दबाव नहीं है और ब्रेड पकौड़े का मतलब काउंटिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पहले चैलेंजर के रूप में पवन जी पूरी तरह से सीना तान के खड़े भी हो चुके हैं, तो देखना है कि पवन क्या कमाल करते हैं, एक मिनट में कितने ब्रेड पकौड़े खा के रिकॉर्ड बनाते हैं। देर न करते हुए पवन जी के लिए टाइमर को चालू कर दीजिए। पवन चालू हो चुके हैं पूरी तरह से, मशीन बन चुके हैं, तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं। बहुत बढ़िया। और कितने ब्रेड पकौड़े को खा पाते हैं? और थोड़ा सा नहला भी दे रहे हैं, ब्रेड पकौड़े का सोच रहे हैं, नहला देते हैं ताकि ब्रेड पकौड़ा मुलायम हो जाए, खाने में आसानी हो जाए। तो बहुत बढ़िया, 15 सेकंड में एक ब्रेड पकौड़ा उड़ा दिए हैं, तो दूसरे ब्रेड पकौड़े को भी 20 सेकंड में उड़ा दिए हैं। और पवन जी जिस पावर के साथ, जिस साहस के साथ आए हैं, आज लग रहा है कि एक नया मुकाम पे आ जाएंगे और झंडा जो जीत का परचम लहरा जाएंगे। बहुत गजब। और परचम लहराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं पवन जी, ऐसा लग रहा है कि आज ब्रेड पकौड़ा पूरी तरह से भागता नजर आ रहा है, और जो कोल्ड ड्रिंक उठाए हैं उसके सहारे बहुत तेजी से भागता नजर आ रहा है। और देखते ही देखते 45 सेकंड का सफर तय कर चुके हैं, 15 सेकंड के इस दौर में कितने ब्रेड पकौड़े खाते हैं। पूरी तरह से मुंह बंद हो चुका है पवन का, यही गलती किए हैं कि मुंह खाली करते नहीं गए हैं। बहुत बढ़िया। और चौथे ब्रेड पकौड़े को उठा लिए हैं, तो देखते हैं कितना, चौथा समय समाप्त हो गया है, तो 3+ चले गए हैं। पवन जी आए, हौसला दिखाए, पवन जी का धन्यवाद करते हैं, और देखते हैं अगले चैलेंजर ग्रुप में कौन आ रहा है और कितने ब्रेड पकौड़े कंप्लीट कर पाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे अगले चैलेंजर के रूप में भाई साहब आ चुके हैं, क्या नाम है आपका? महेश। महेश, मतलब आप लोग एकदम पूरी तरह से पहचानते होंगे। तो महेश जी आ चुके हैं इस चैलेंज में, तो देखना है कि महेश जी क्या कमाल करते हैं, एक मिनट में कितने ब्रेड पकौड़े खाने का रिकॉर्ड बनाते हैं। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दीजिए। अभी पवन जी आए थे, 3+ ब्रेड पकौड़ा खाए हैं, तो देखते हैं महेश जी जो पवन जी गलती किए उसी गलती को दोहराते हैं या फिर उस गलती से आगे निकल जाते हैं। पवन जी जो गलती किए उस गलती से अगर करेंगे महेश जी तो आगे नहीं जा पाएंगे। बहुत गजब। और देखते ही देखते बहुत ही गजब अंदाज में महेश ब्रेड पकौड़े को लेकर मंजिल की ओर भागते नजर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि महेश कम से कम 10 ब्रेड पकौड़े खा के रिकॉर्ड बनाएंगे, और देखते हैं 10 खाएंगे तो इनको 20 मतलब 2000 रुपए दे दिया। बहुत गजब, महेश आपके लिए 2000 रुपए का इनाम आ चुका है अगर 10 ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, नहीं तो जितना सबसे ज्यादा खाए रहेंगे 700 रुपए तो मिलेगा ही। तो देखते ही देखते 40 सेकंड का जो समय है पूरी तरह से खर्च कर चुके हैं। इनको कोक जमी नहीं तो लिमका उठा लिए हैं, सोच रहे हैं लिमका उठा लेते उससे ज्यादा आसानी होगी खाने में ब्रेड पकौड़े को। बहुत गजब। और यहाँ पर देखते ही देखते महेश पूरी तरह से जद्दोजहद की लड़ाई लड़ते हुए एकदम मंजिल की ओर भागना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रेड पकौड़ा है कि आगे जाने नहीं दे रहा है। तो महेश जी आए, हौसला दिखाए, महेश जी का धन्यवाद करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे अगले चैलेंजर के रूप में शंकर आ चुके हैं, तो देखना है कि शंकर क्या कमाल करते हैं, एक मिनट में कितने ब्रेड पकौड़े का रिकॉर्ड बनाते हैं। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दीजिए। टाइमर चालू हो चुका है, शंकर पूरी तरह से चालू हो चुके हैं, अपनी मशीन चलाना चालू कर दिए हैं। एक ब्रेड पकौड़ा खाए हैं और हमको लग रहा है 3 सेकंड वाली गलती बहुत बड़ी कर दिए हैं, और आ चुके हैं, सही है, रफ्तार पकड़ लिए हैं। 3 सेकंड में खाए हैं लेकिन 13 सेकंड में फिनिश कर गए हैं, दूसरा ब्रेड पकौड़ा भी गायब कर दिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और देखते हैं कितने ब्रेड पकौड़े का रिकॉर्ड बनाते हैं और कितने ब्रेड पकौड़े खाते हैं, और नमक लगा के बिल्कुल उड़ा रहे हैं। बहुत गजब। और बहुत ही गजब अंदाज में शंकर ब्रेड पकौड़े को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, और जिस हिसाब से भाग रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इनके रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाएगा। और देखते ही देखते काफी हद तक कई स्पीड पकड़ लिए हैं, 42 सेकंड के ऊपर टाइमर जा चुका है। चार ब्रेड पकौड़ा उड़ा दिए हैं,
चार ब्रेड पकौड़ा पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं और पांचवा ब्रेड पकौड़ा समाप्त कर पाते हैं नहीं। बहुत ही गजब अंदाज में उठाए तो है लेकिन हमको लग रहा है कि मंजिल तक नहीं पहुंचा। गजब यार, पांच ब्रेड पकौड़ा और एक मिनट में पांच ब्रेड पकौड़ा कंप्लीट कर लिए। तो शंकर जी आए, हौसला दिखाए, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और देखते हैं अगले चैलेंजर के रूप में कौन आ रहे हैं और कितने ब्रेड पकौड़े कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे अगले चैलेंजर के रूप में प्रमोद जी आ चुके हैं, तो देखना है कि प्रमोद जी एक मिनट में कितने ज्यादा से ज्यादा ब्रेड पकौड़े खाते हैं। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दीजिए और टाइमर चालू हो चुका है। अभी शंकर जी आए हैं, एक मिनट में पांच ब्रेड पकौड़ा खाए हैं, उनके टारगेट कोई छू नहीं पाया है। तो देखते हैं राजू जी आए हो, प्रमोद जी आए हैं तो उनके टारगेट को छू पाते हैं या फिर पीछे ही रह जाते हैं। बहुत गजब और बहुत गजब अंदाज में प्रमोद जी आगे चल रहे हैं। 9 सेकंड में एक ब्रेड पकौड़ा पूरी तरह से समाप्त किए हैं और ज्यादा फुर्ती लगाएंगे तो हमको लग नहीं रहा कि ज्यादा आगे जा पाएंगे। अगर आराम आराम से ब्रेड पकौड़े खाएंगे तो ज्यादा खा जाएंगे। बहुत गजब और देखते ही देखते ब्रेड पकौड़े को एकदम पूरी तरह से अंजाम देते नजर आ रहे हैं प्रमोद जी। और तीसरा ब्रेड पकौड़ा उठा लिए हैं, अभी मात्र 30 सेकंड हुआ है। 30 सेकंड में तीसरा ब्रेड पकौड़ा लगभग अंजाम देते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से खा रहे हैं हमको लग रहा है 6-7 तो खा ही जाएंगे। बहुत गजब और आज जो इनाम की राशि है प्रमोद जी के नाम होने वाली है और ठंडा भी छांट भी आके ले रहे हैं। बहुत गजब, बहुत बढ़िया और चुन चुन के ब्रेड पकौड़े को अंजाम दे रहे हैं। ब्रेड पकौड़ा उठा लिए हैं और पांचवा भी उठाए नहीं है और हमको लग रहा है पांचवा उठा भी नहीं पाएंगे। तो प्रमोद जी आए, हौसला दिखाए, प्रमोद जी का धन्यवाद करते हैं और अगले चैलेंजर के रूप में देखते हैं कौन आ रहे हैं और कितने ब्रेड पकौड़े और ठंडे का कंप्लीट कर पाते हैं। अगले चैलेंजर के रूप में राजू जी आ चुके हैं, तो देखना है कि राजू क्या कमाल करते हैं। टाइमर को चालू कर दीजिए राजू के लिए। और राजू जी सोच रहे हैं कि नए अंदाज में, शांत रहिए भैया, शांत रहिए, शांत रहिए। बहुत गजब और देखते ही देखते बहुत ही गजब अंदाज में राजू ब्रेड पकौड़े को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो देखना है तो अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल पर जाइए और बहुत ही गजब आनंदित वीडियो का आनंद लीजिए। कोई दिक्कत नहीं बोलने दीजिए बच्चे। बहुत गजब और क्या हवाएं चलने लगी है राजू की। हाँ। राजू की तरफ हवाएं भी आ चुकी है और तीसरा ब्रेड पकौड़ा उठाए हैं अभी, खाए नहीं। बहुत गजब और देखते हैं शंकर जी को पीछे कर पाते हैं या फिर नहीं। बहुत गजब और शंकर जी आए थे पूरी तरह से आधी तूफान बन के। शंकर जी कह रहे हैं अगर हमको पीछे कर देंगे तो हम फिर आ जाएंगे चैलेंज में और देखते हैं फिर राजू जी को क्या करते हैं। बहुत गजब, शंकर जी आए थे आधी और तूफान बन गए थे ब्रेड पकौड़ा खाने में। बिल्कुल ढीले पड़ गए, सोच रहे शंकर जी से आगे नहीं जाएंगे, नहीं शंकर जी दोबारा आकर के हमको पीछे कर देंगे, पीछे कर देंगे। बहुत गजब, मेहनत करने कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे हम। और देखते ही देखते समय पूरी तरह से समाप्त। तो राजू जी आए, हौसला दिखाए, राजू जी का धन्यवाद करते हैं और एक मिनट में चार ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। देखते हैं अगले चैलेंजर के रूप में कौन आ रहे हैं और कितने ब्रेड पकौड़ा कंप्लीट कर पाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अगले चैलेंजर के रूप में भाई साहब आ चुके हैं। क्या नाम भैया? गोरेलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? चंदीपट्टी की धरती से चलकर आए हैं गोरेलाल। तो देखना है कि गोरेलाल क्या करते हैं कमाल। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दीजिए और टाइमर चालू हो चुका है। गोरेलाल जी खाना चालू कर दीजिए, देर मत करिए। बहुत गजब अंदाज में गोरेलाल जी एकदम और आए हैं। गोरेलाल जी आए हैं तो देखते हैं, जो हौसला लगाए हैं, ठंडा पीते रहिए, ठंडे का भी सहारा लेते रहे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मन करे वैसे खाइए और एक मिनट में 5+ जाइए और इनाम की राशि ले करके जाइए। बहुत गजब और 17 सेकंड का समय खर्च कर चुके हैं एक ब्रेड पकौड़े पर। तो देखना है, लाल जी नए चैलेंजर हैं तो इनको चार भी खा लेंगे तब भी इनको 700 रुपए दे दिया जाएगा। बहुत गजब गोरेलाल जी, समय तो कम है गोरेलाल के पास, ये एक ब्रेड पकौड़े की छूट दे दी गई है। बहुत गजब और देखते ही देखते लगभग जिस अंदाज में गोरेलाल जी वहाँ पर पहुँचे थे उस अंदाज को पूरी तरह से हवा नहीं दे पा रहे हैं और एक ब्रेड पकौड़ा खा लिए हैं, दूसरे ब्रेड पकौड़े को उठा लिए हैं। बहुत गजब और जो समय की भाग दौड़ है 48 सेकंड खर्च कर चुके हैं उस भाग दौड़ में और ब्रेड पकौड़ा मात्र दूसरा उठाए हुए हैं और कोल्ड ड्रिंक कितना पिए हैं तो कोई अंदाजा नहीं है और देखते ही देखते समय समाप्त। तो गोरेलाल जी आए, हौसला दिखाए, गोरेलाल जी का धन्यवाद करते हैं और चाहेंगे कि अगर कोई चैलेंजर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, नहीं तो शंकर जी अपनी इनाम की राशि कैश ले जाएंगे। तो यहाँ पर शंकर पहुँच गए हैं और सोच रहे हैं कि कोई आए उससे पहले हम इनाम लेकर निकल लेते हैं और शंकर पूरी तरह से शंकर और इनाम की राशि शंकर के हाथ में जा चुकी है। तो शंकर जी आपको यह चैलेंज कैसा लगा? हम देवा ही नहीं करें क्यों? तो सारा देख लीजिए बच्चे क्या करते हैं, सारा का सारा ठंडा अड़ा दिए हैं और बांटने नहीं देते हैं, बस बच्चे ऐसे ही करते हैं हमेशा। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं और इसी तरह से
शंकर जी आपको यहाँ चैलेंज कैसा लगा? अच्छा लगा। खाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सात ब्रेड पकौड़ा, पांच ब्रेड पकौड़ा। अगर दूसरा कोई अगर पांच ब्रेड खा जाता तो हम सात ब्रेड खाने का गारंटी रखते थे। नहीं, कोई ऐसी जोर दबाव नहीं थी, वो उसको इनाम की राशि मिलती है, लेकिन हम जीत जाते। तो शंकर जी आए, हौसला दिखाए, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह से आप लोग भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।